by his word. I have no fear in me by his word. Death cannot swallow me by his word. I have prosperity by यीशु सच्चा मनुष्य है, हमारे समान हर बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे पसंद है, मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं उसी के जैसे जीना चाहता हूँ और मैं उसी के जैसे जीने का लक्ष्य रखता हूँ। आमीन। आइए इसके बारे में कोई बहाने न बनाएं कि कैसे दूसरे लोग इसे नहीं करते हैं, कोई नहीं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, इस तरह की सारी बातें। लेकिन इस तरह की शिक्षा का अर्थ ये होता है कि तुम पुराने पापी हो, अनुग्रह से उद्धार पाए और अभी भी तुम पापी ही हो। इसका ये अर्थ है कि हम सब पापी हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं। जानते हैं पापी है, हमेशा पाप करते हैं। क्या ये विचार सच्चा है? क्या बाइबल यही कहती है? बाइबल की शिक्षा बहुत स्पष्ट है। चलिए रोमियो की किताब में चलते हैं। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। हेलो, रोमियो अध्याय 6 वचन 1।
तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट है, ये धुंधली बातें नहीं कहती हैं। क्या हम पाप करें? बाइबल कहती है कदापि नहीं, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं। कभी नहीं मतलब नहीं करना है, कदापि नहीं ये गंभीर बात है। परमेश्वर न करें, मुझे शब्द पसंद है कदापि नहीं से, ये कि प्रभु न करें, इसका मतलब है ये बिल्कुल न होने पाए, ये परमेश्वर के सामने सही नहीं है। क्या हम पाप करें? नहीं, कदापि नहीं। चलिए इसे कहते हैं ताकि हम इसे कभी न चूके। देखिए संसार में बाहर लोग इस तरह से कहते हैं, खैर देखिए बात तो यही है भाई, मैंने इतना सुना है कि इसने और उसने पाप किया है। क्या आपने इस बारे में सुना है? इस प्रचारक ने पाप किया, उसने पाप किया, उस भाई ने, बहन ने पाप किया, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन क्या हम पाप करें? बाइबल क्या कहती है? कदापि नहीं। क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करें? बाइबल बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि बाइबल क्या कहती है। वचन 15 भी देखिए, तो फिर क्या हम पाप करें? आखिरी वाक्य को देखिए, कदापि नहीं। फिर से, कदापि नहीं। क्या हम पाप करें? कदापि नहीं। बाइबल पाप के बारे में स्पष्ट मना करती है, ये बहुत से लोगों जैसे बहाने नहीं बनाती है। इसलिए मुझे लोगों की ये बात पसंद नहीं है, सब विश्वासी ये कहते हैं, क्या हम पाप करें? खैर भाई देखिए बात तो ये, मुद्दा ये है, इस संसार में हम बहुत पापी संसार में हैं और हम पापी मनुष्य हैं और कुछ भी हो हम, खैर क्या हम पाप करें? खैर भाई आप देखिए कि प्रचारक ने कहा कि पाप नहीं करना है, लेकिन समस्या ये है कि हम इसमें जीते हैं, क्या हम पाप करें? मुझे बताइए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कदापि नहीं, इसका मतलब ये कभी ना होने पाए, ये परमेश्वर के सामने सही नहीं है, क्योंकि वो आपको खरीदने के लिए खुद मर गया। आपकी आजादी, स्वतंत्रता, पाप से आजाद होना, और आप अभी पाप नहीं करेंगे और पाप आपके ऊपर में कोई भी राज्य नहीं रखेगा और पाप आपके ऊपर में राज्य न करने पाए, जबकि उसने आपको इससे खरीदा है, वो आपके ऊपर राज्य न करे। उसने इससे आपकी आजादी खरीदी है तो वो आप पर राज्य न करे। लेकिन फिर से इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे बार बार कहें, क्योंकि दुनिया में सब लोग ऐसे ही तो कहते हैं, खैर जानते हैं ये सुनना अच्छा है, ये कहना अच्छा है प्रचार में। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं केवल बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं वचन बता रहा हूं। वो कहेंगे ओ ये व्यवहारिक नहीं है। खैर अगर आप परमेश्वर से ज्यादा व्यवहारिक हैं, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो फिर ऐसे ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। परमेश्वर कहता है क्या हम पाप करें? कदापि नहीं, ये ना होने पाए। देखिए देखिए आइए हम सीखते हैं कि बाइबल को वैसे ही ले और इसे उलझाते न रहें। हजारों लोग हजारों दूसरी बातें कहेंगे, लेकिन बाइबल कहती है क्या हम पाप करें? बहुत सरल उत्तर है, कदापि नहीं, क्योंकि बाइबल बहुत ही स्पष्ट है पाप के साथ के हमारे संबंध में, कि हम पाप के लिए तो मर चुके हैं, ये खत्म हो चुका है, ये अध्याय बंद हो चुका है, हम उसके अधिकार से आजाद हुए। पाप हम पर राज्य नहीं करेगा, हम पर अधिकार नहीं करेगा, यही तो हमारी स्थिति है। बार 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 बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट बताती है। तो विश्वासी के लिए कभी ऐसी परिस्थिति नहीं होती जहां पर उन्हें पाप करना बहुत जरूरी होता है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहां पर जो वो सह सकते उससे भी बढ़कर परीक्षा हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहां परीक्षा का इनकार न कर सके। जानते हैं मनुष्य सोचते हैं कि वो इसका इनकार कर सकते हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? खैर अपने हाथ मत उठाइए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे अटल बने हैं कि उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, वो तो सच में इतने प्रभावी होते हैं, ऐसे हैं। मैं जानता हूं कुछ स्त्रियां भी इसी तरह से सोचती हैं, आपकी जानकारी के लिए, मैंने इन बातों को पढ़ा है, इस तरह से मैंने जाना, यदि आप सोच रहे हैं। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सोचती हैं कि उनका इनकार नहीं कर सकती हैं, और कुछ पुरुष हैं जो इन स्त्रियों के पास जाकर कहते हैं कि आपको इनकार नहीं कर सकते, उन्हें यह पसंद आता है। क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि उनका इनकार नहीं कर सकते, और ये जाकर कहते हैं कि आपका इनकार नहीं किया जा सकता और उनसे बढ़कर कोई झूठा नहीं है। जानते हैं
इन पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये कहने के लिए माफ करना, हो सकता है आप बहुत सुंदर दिखाई देते लेकिन आपका इनकार ना हो, इस झूठ पर आप विश्वास मत कीजिए। कोई ऐसा नहीं जिसका इनकार नहीं हो सकता, कोई पाप ऐसा नहीं जिसका इनकार नहीं कर सकते, कोई परीक्षा नहीं जो कि अटल होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर बाइबल में से कह रहा हूँ, संसार जो कहता सोचता है वो नहीं, मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूँ कि कोई नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई परीक्षा नहीं जो इतनी आकर्षकों के उसको टाल नहीं सकते हैं। इस पर विश्वास करना गलत है, इस गलत बात पर विश्वास मत कीजिए। जब भी कोई आकर कहता है कि आपका कोई इनकार नहीं कर सकता है, तो आप जान ले कि आप इस शहर के सबसे बड़े झूठे के सामने हैं। वो बस आपसे कुछ पाना चाहता बस, और वो जानता है कैसे ले। यानी ऐसी कोई बात नहीं कि परीक्षा जिसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन विश्वासी लोग ये सोचते हैं, यही बात है, और इसलिए वो हारे हैं, इसलिए वो ऐसे ही जीते हैं। पाप में जीते हैं, पाप से बाहर नहीं आ सकते, हालांकि यीशु मसीह ने उनके छुटकारे को खरीदा है, पाप से छुड़ाया है। वो कभी पाप में से बाहर नहीं आते हैं, इसके लिए हमेशा हर तरह के बहाने बताते हैं, क्योंकि वो इस तरह से बातें करते हैं, और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर सका। तो करोड़ों विश्वासी ऐसे ही सोचते हैं, वो सोचना चाहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है, और वो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहीं पर कोई घूस ली थी और वो पकड़े गए, और जब मैं उनसे बातें कर रहा था, पूछा ये सब कैसे हुआ, उन्होंने कहा भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, पता नहीं वो पैसा मेरी जेब में किस तरह से आ गया। अब ये आपको कैसा लगेगा, देखिए मैं आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, देखिए इन्हीं शब्दों में उस भाई ने मुझसे कहा था। मैंने उनकी ओर देख कर कहा क्या, और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, उन्हें पकड़ा गया रंगे हाथ पैसे लेते हुए, जैसे वो पैसे ले रहे थे, और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कि कैसे ये सारे पैसे मेरे जेब में आ गए। मैंने कहा जरूर याद होगा, उन्होंने कहा नहीं भाई यही तो बात है, मुझे तो पता नहीं है, और उस दिन मुझे कुछ हुआ था, कुछ तो भी उस दिन हुआ, और मुझे पता नहीं कि वो मेरे जेब में कैसे क्या आ गए। और बहुत से लोग ऐसे ही कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं उनके साथ उस दिन बिस्तर पर कैसे पहुंच गया, केवल सुबह मुझे पता चला, भाई प्रभु जानता है। हेलो मैं स्पष्ट कह रहा हूं। वो कहते हैं प्रभु जानता है भाई, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ, ये तो कोई दुष्ट आत्मा होगी भाई, ये कुछ न कुछ होगा, कोई बड़ी दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर छा गई होगी, कुछ तो भी हुआ, और केवल सुबह मुझे पता चला भाई। मैंने कहा भाई ये पूरी तरह से झूठ है। देखिए लोगों को इस तरह से बातें करना पसंद है, क्योंकि वो तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं जानते हैं ये तो मेरी समस्या नहीं है, और ना ही ये मेरी जिम्मेदारी है, जानते हैं, और ये सारी बातें। जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि सच में ये कैसे हुआ, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे याद नहीं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये तो मेरे ज्ञान के बिना ही हुआ, मुझे पता नहीं था, वो ऐसे बताते कि जैसे ये जब हुआ तब वो बेहोश थे। सच में जरा आप सोचिए, लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे कि जब ये हुआ तब उस समय वो बेहोश थे, अपने आपे से बाहर थे, दूसरी दुनिया में तैर रहे थे जब ये सब कुछ हुआ, देखिए। लेकिन बात तो ये है, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और वो दूसरों से झूठ बोल रहे हैं, और यही तो इसके बारे में पूरा सत्य है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप खुद से और दूसरों से झूठ बोलते हैं और उन्हें इस पर विश्वास करने लगाते हैं कि आपको पता नहीं ये कैसे हुआ, आपको पूरी तरह से याद नहीं है, आपको पता नहीं कि आपके ऊपर क्या आया और क्या हुआ, ये शायद कोई दुष्ट आत्मा होगी, शायद किसी ने कोई जादू टोना किया होगा, जब ऐसी बेकार की बातें आप करते हैं, इसका मतलब है आप खुद से झूठ कहते हैं, आप दूसरों को धोखा देते हैं, अपनी परिस्थिति के बारे में आप झूठ बोलते हैं, और इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी जरूरत के समय अनुग्रह और दया को प्राप्त नहीं कर सकता है। अपनी जरूरत के समय दया और अनुग्रह पाने के लिए सबसे पहले आपको सत्य बोलना होगा, आपको पहले कहना होगा हाँ मेरी परीक्षा हुई, पहले कहना होगा हाँ मुझे समस्या है, हाँ मुझे मुश्किल है, मैं जानता हूं कि ये सब कुछ है, हाँ ये परेशानी, ये मुश्किल, ये चुनौती जिसे पाप कहते हैं, हाँ मुझे इस बात की परेशानी है, मैं इसका सामना कर रहा हूं, इसका खिंचाव बहुत मजबूत है, ये मुझ पर वजन डालता है, मुझे पता नहीं क्या करूं, मुझे जरूरत के समय अनुग्रह और दया की बहुत जरूरत है। जब आप झूठ बोले तो मदद नहीं मिलती है, लेकिन सत्य आपको आजाद करता है।
बहुत से लोगों को सत्य पसंद नहीं, क्योंकि सत्य लाइट ऑन करता है जो सारी गंदगी दिखाता है, लेकिन लाइट ऑन किए बिना आप उस जगह को पूरी तरह से साफ भी नहीं कर सकते हैं। केवल लाइट ऑन करने पर आप गंदगी को देखेंगे और उस गंदगी को देखकर आप उसे साफ करेंगे। हेलो, कई बार मैं प्रचार करता हूं, मुझे याद है कि यहां तक कि आमीन के बिना मैं उसे आमीन मान सकता हूं। कुछ संदेश ऐसे होते, देखिए मैं इसे अच्छे से समझता हूं तो मैं मान लेता हूं कि आपने आमीन कहा, इसलिए धन्यवाद। मैं इस मुश्किल परिस्थिति को समझता हूं। लेकिन मान लेता हूं आपने आमीन कहा। लेकिन बात तो यह है कि लोग पाप को पाप के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। देखिए नीति वचन अध्याय 14, नीति वचन अध्याय 14 वचन 9, मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। चलिए एक और अनुवाद से पढ़ते हैं। मूर्ख दोष भावना का मजाक उड़ाते हैं। एक और अनुवाद ये कहता है कि मूर्ख पाप की ओर देखकर हंसता है। लिविंग बाइबल कहती है, न्यू लिविंग बाइबल, मूर्ख दोष भावना का मजाक उड़ाता है पर भक्तिपूर्ण व्यक्ति इसे समझता है और मेल मिलाप की बात सोचता है। देखिए बुद्धिमान लोगों के बारे में एक बात तो ये है कि वो इस बात को मानते हैं कि पाप है, पाप नाम की कोई चीज है। तो जब पाप करते हैं तो जानते हैं पाप है, वो इसे छिपाना नहीं चाहते, इस पर कोई और कोट नहीं लगाते, कोई दूसरा नाम नहीं देते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने पाप किया, मुझे मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के पास में जाना है, क्षमा मांगना और सारी बातों को बिल्कुल सही करना है। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV ट्रांसलेशन इस तरह कहती है कि मूर्ख लोग पाप करने पर परवाह नहीं करते, क्योंकि ये पाप पर विश्वास नहीं करते, दोष भावना पर विश्वास नहीं करते, पाप की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम पूरे संसार को नहीं बता सकते कि पाप क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लोग खुद अपने लिए निर्णय ले ले, ये तो उनकी बड़ी फिलोसॉफी है। सब खुद निर्णय ले, आप पूरे संसार को ये ना बताए कि पाप क्या और क्या नहीं है, वो तो इसी तरह से कहते हैं। लेकिन इसे देखिए, मूर्ख लोग पाप करने पर परवाह नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग पाप का मजाक उड़ाते हैं उस पर हंसते हैं, पाप करने पर वो परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पाप तो कुछ असली बात नहीं है, केवल मसीह प्रचारकों ने इसे बना दिया है। लेकिन अच्छे लोग जानते ये असली है, वो क्षमा पाना चाहते हैं, इससे निपटना चाहते हैं, वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं और देखते हैं समस्या के रूप में, वो जानते हैं कि ऐसा जो उन्हें बर्बाद करेगा, उनकी खुशी को, उनके जीवन को, उनके भविष्य को, उनका सब कुछ इसके द्वारा बर्बाद होगा। देखिए वो इसे अतिरिक्त बोझ के रूप में नहीं देखते हैं जो कई पीढ़ियों से मसीह लोगों के बीच में आया है। नहीं, लोग पाप के लिए बाइबल पर दोष लगाते हैं, वो कहते हैं केवल बाइबल होने पर ही पाप के बारे में पता चलेगा, बाइबल को दूर कर दो तो आप पाप के बारे में कोई विचार और प्रेरणा नहीं पाएंगे, बाइबल ही आपको पाप के बारे में बताती है। मैं सहमत नहीं, अगर बाइबल को दूर कर दे फिर भी पाप के बारे में सचेत होंगे, क्योंकि कैसे, कभी आपने कभी किसी को कहते सुना मेरे पड़ोसी तो बहुत ही भयानक है? कैसे जानते हो इतने भयानक है, कैसे जानते इतने बुरे हैं, दुष्ट हैं? कहते वो तो इतने दुष्ट हैं, क्या उन्होंने बाइबल में पढ़ा? नहीं, उनके दिल में एक चीज है जो परमेश्वर ने रखी है, उसे विवेक कहते हैं, जो उन्हें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम हत्यारे को देखकर कहते हैं ये बुरा है, इसके लिए बाइबल की जरूरत नहीं कि कहे वो बुरा है। और इसलिए आप अपराध करने वाले को देखते हैं और कहते हैं कि ये बुरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बुरा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिल में एक चीज रखी है जिसे हम विवेक कहते हैं। ये तो वहां है, ये तो नैतिक बात है, जैसे हम बनाए गए हैं, जो सही और गलत को जानने में हमारी मदद करता है। और देखिए इसीलिए हम निरंतर, यहां तक कि बाइबल की मदद के बिना, शायद किसी ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी होगी लेकिन वो कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि इसने इनकी हत्या की है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, ये नहीं कर सकते, ये किस तरह से ऐसे कर सकते हैं, ये सच में बुरा है। वो कैसे जानेंगे कि ये बुरा है, वो कैसे जानते हैं कि सही और गलत क्या है? यही तो बात है, बाइबल इसके बारे में विवरण से बताती है और बाइबल इस पाप के बारे में उत्तर हमें देती है। पाप के लिए जो जवाब है ये तो बाइबल में दिया है, यानी ये तो ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं बाइबल को दूर कर दो तो पाप भी दूर हो जाएगा, ये सच नहीं।
ये वहाँ है। हर एक व्यक्ति जानता है कि पाप क्या है, हर एक व्यक्ति जानता है जब वो पाप करता है, हर एक व्यक्ति का विवेक उन्हें बताता है कि वहाँ पर कुछ गलत है, और हर एक व्यक्ति में पाप और ये दोष भावना के बारे में विचार बनाया गया है। यानी यदि पाप वहाँ है और पाप अगर इतनी बड़ी बात है, तो चलिए देखते हैं कि पाप क्या है, बाइबल पाप के बारे में क्या बताती है। पहला यूहन्ना अध्याय पांच वचन 17 देखिए, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। पाप क्या है? सारा अधर्म तो पाप है। ये अधर्म जो शब्द है ये आता है सही से। अधर्म इसका मतलब है जो सही नहीं है। जो भी सही नहीं है वो पाप है, जो भी गलत है वो पाप है। देखिए, सही है और गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही और गलत कोई बात नहीं है, कैसे कह सकते कि सही और गलत है? सब लोग खुद इसका न्याय करें। खैर, सब लोग खुद निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी आप बाइबल में ही वापस आएंगे। मनुष्य को नैतिक व्यक्ति के रूप में बनाया, नैतिक मनुष्य। मनुष्य जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है अपने आप में। वो सामान्य रूप में बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बाइबल इसके बारे में पूरे विवरण से बताती है। सही गलत जानने के लिए आपको बाइबल की भी जरूरत नहीं, बस विवेक चाहिए जो आपके अंदर में बना हुआ है। ठीक है, यानी सही और गलत है, वो सारी चीजें जो सही नहीं है वो गलत है, जो सारी चीजें सही नहीं वो पाप है। यही इसका अर्थ है कि सारा धर्म तो पाप है। अब मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय तीन वचन 4, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ये पाप क्या है? पाप तो व्यवस्था का विरोध करना है, उसका उल्लंघन करना है। मैं बाइबल की परिभाषा दे रहा हूं, पाप तो व्यवस्था का विरोध करना है, व्यवस्था को तोड़ना है। कानून क्या है? यदि आपको बताया गया कि 30 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से जाना तो गलत है, ये नहीं कर सकते हैं, ये नियम है इस रोड पर, और आप 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं तो ये पाप है, आप तोड़ रहे हैं, आप उस कानून को तोड़ रहे हैं। तो जो भी प्रभु की व्यवस्था कहती है उसके विरुद्ध में आप करते हैं, ये व्यवस्था तोड़ना है और ये पाप है। तो अब गहराई में देखते हैं। देखिए नीति वचन अध्याय 21 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वचन है, 21:4, हम पाप की परिभाषा को देख रहे हैं। इसे देखिए, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में हैं। चढ़ी आंखें, घमंडी दिल और दुष्टों की खेती तो पाप में है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन, अब ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पाप यानी सच में कुछ करना है, यानी मुझे पाप करना है तो मुझे यहां से उठकर कहीं जाना है और कुछ करना है। तो लोग कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया है भाई, मैंने तो ऐसे कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन बाइबल पाप के बारे में परिभाषा इस तरह से देती है कि चढ़ी हुई आंखों से देखना पाप है, और घमंडी मन तो पाप है। दूसरे शब्दों में, आप जहां पर बैठे वहां से एक इंच भी हटे बिना पाप कर सकते हैं। आप तो पाप कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, अपनी उंगली को थोड़ा सा भी हिलाए बिना आप पाप कर सकते हैं। यानी चढ़ी हुई आंखें या घमंड से देखना, और घमंडी मन तो पाप है। पाप तो मन की बात है, ये तो मनोदशा है, या कहिए दिल की परिस्थिति है। आपका दिल कैसा है? आपका दिल कैसा है? क्या ये घमंडी दिल है? तो बाइबल कहती है कि ये पाप है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, वो सोचते ये काम है आपको उठकर कुछ करना है। नहीं, आप यहां पर बैठकर कुछ किए बिना भी पाप कर सकते हैं घमंड के कारण। परमेश्वर के सामने घमंड, ये पाप है, बाइबल कहती। अब देखिए अध्याय 24 नीति वचन 24 वचन 9, मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता का विचार भी पाप है। क्या विचार पाप हो सकता है? हाँ, मैंने आपसे कहा कि विचार आपके मन में आया इसलिए वो पाप नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप वो विचार को लेते हैं, उस पर काम करते जाते हैं, आप विचार रखते हैं, आप उसे जगह देते हैं, तब तो वो विचार आपको क्रियाशील करता है। मूर्खता का उद्देश्य पाप है, कहता है। यानी यहां पर विचार के बजाय यहां उद्देश्य शब्द उपयोग हुआ है। विचार उद्देश्य बनाते हैं, विचार क्रियाएं बनाती हैं। यानी जो विचार भीतर लिया गया है और उसे रखा गया है और उसे जगह दी गई है, वो गलत है, वो पाप हो जाता है, वो पाप में बदल जाता।
joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before you, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of eternal gladness, fill us with the light of you. You are the one who saves, you are the one who saves, you are the one whose hands lift us from the grave. Joy of living, ocean depths of happy rest. You are the one who saves. You are the one who saves. You are the one whose hands lift us from the grave. You are the light of life, the everlasting day. This out. Jesus, you're my rescue. Jesus, you are.